मुफ्त बाजार के इनेकाद के लिए महाजर कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने मुसलसल एक माह तक दिन रात सख्त मेहनत की। बाजार के लिए कराची के तकरीबन हर इलाके में कैंप लगाए गए थे, जहां आवाम ने बड़ी तादाद में कपड़े व अजनास जमा कराए। कैंपों पर सामान जमा कराने का ये सिलसिला एक माह तक जारी रहा। कराची में मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी, तपती हुई दोपहरों और हफसदा शामों में MQM के हजारों कारकुन पसीने में शराबोर हर इलाके में कैंपों पर बेतकान कपड़े और अजनास जमा करते रहे। इनके माथे पर पसीने के मोती हक परस्ती के नगीने बन गए। इन्हें न भूख की परवाह थी, न लिबास और हुलिये की फिक्र, और ना ही किसी सिले की तमन्ना। कपड़े और अजनास जमा करने का यह थका देने वाला सिलसिला एक दिन या एक हफ्ते नहीं, बल्कि मुसलसल एक माह तक जारी रहा। बेलौस कारकुनान रोज सुबह उठकर कैंप सजाते, फिर दोपहर से शाम हो जाती और शाम के बाद रात ढलने लगती। सूरज थक कर उफक की वसतों में गुम हो जाता, तारे सो जाते, मगर इन फौलाद सिफत नौजवानों के अजाइम और जज्बे नहीं थकते थे। बल्कि बास कारकुनान तो रात गए काम से फारिग होने के बाद इन्हीं कैंपों में दरियां बिछाकर सो जाते। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के पैदा करदा जज्बा खिदमत का शोला हर दिल में यकसा तौर पर रोशन था। इस शोले की तपिश ने धूप की तमाजत और भूख प्यास की शिद्दत का एहसास तक मिटा दिया था। मुफ्त बाजार की तैयारियों के सिलसिले में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1000 से जायद कैंप लगाए गए थे, जहां कपड़ों और खुश्क अजनास के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया भी जमा की जा रही थीं। जनाब अल्ताफ हुसैन ने पूरे कराची के कैंपों के दौरे किए और एक एक कैंप में जाकर न सिर्फ कारकुनों की हौसला अफजाई की, बल्कि कारकुनों के साथ मुफ्त बाजार की मुहिम में भरपूर हिस्सा भी लिया। बाजार के लिए लगाए गए स्टॉलों के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ कैंपों का दौरा करते हुए कायदे तहरीक ने फरमाया, ये इमदाद इस तरह तकसीम नहीं की जाएगी कि लेने वाले को ये एहसास हो कि उसे इमदाद की जा रही है, बल्कि इसका बाजार लगाया जाएगा और तमाम गरीबों को इस बात की इजाजत होगी, हम उनकी जबान कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पंजाबी हो, पख्तून हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी जबान क्यों ना बोलते हो, सिर्फ यही नहीं कि उर्दू बोलने वाले या मुहाजिर, बल्कि तमाम गरीबों को इजाजत होगी कि ये खिदमत गल्प कमेटी का मुफ्त बाजार है, आइए और आगे इस बाजार से ले जाइए। ये ख्वातीन जो अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी सियासत से वाबस्ता रही हैं और ना ही इन्होंने कभी इसके बारे में सोचा था, अपने कायद की अपील पर लब्बैक कहते हुए घरों से सज़्म के साथ बाहर निकली हैं कि वो भी खिदमत के मैदान में कारनामे अंजाम देकर साबित कर देंगी कि मर्द कारकुनान MQM की ख्वातीन को जज्बों और खिदमत के मैदान में मात नहीं दे सकते, और इन्होंने अपने अमल से इसे साबित भी कर दिखाया। इन कारकुनों में जज्बों का जो उरूज हम देखते हैं वो बिला जवाज या गैर मंतिकी नहीं है। जब सूरत हाल ये हो कि कायद गर्मी, धूप, भूख प्यास और रात दिन की परवाह किए बगैर कारकुन की तरह काम करे। कारकुन अगर एक दिन जागे तो कायद दो दिन जागे,
तो इस सूरत हाल में कारकुनों में वलवला और अपने नज़रिए पर यकीन की पुख्तगी पैदा होना फितरी बात है। आप खुद इस बात के गवाह हैं कि हमारे मुल्क की सियासत में कायद और रहनुमाओं को सिर्फ ये काम समझा जाता है कि वो स्टेज पर आकर तकरीरें करें, तालियां बजवाएं और चले जाएं। लीडर साहबान आराम करते रहें जबकि कारकुनान हर तरह की तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना करते रहें। मगर MQM और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने बहुत से दीगर रिवायतों की तरह इस फरसूदा रिवायत को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। इसी तरह MQM के मरकज़ी रहनुमा भी हर मौके पर कारकुनों की तरह काम करते और मेहनत के किसी काम को करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते हैं। मेहनत के मैदान में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन, चेयरमैन जनाब अजीम अहमद तारिक समेत तमाम मरकजी रहनुमाओं और कारकुनों में कोई फर्क महसूस नहीं होता। यही MQM की वो बुनियादी और मुस्बत पॉलिसी है जो मसावात और इस्लामी उसूलों की अमली अक्कासी करती है। मुफ्त बाजार की तैयारियों के सिलसिले में मुल्की अखबारात और जराइद के सहाफ़ियों और मालिकान को मुफ्त बाजार के इनेकाद से पहले दावत दी गई थी ताकि वो इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का अस खुद जायजा ले सकें। बाजार फेडरल बीरिया के तारीख साज टी ग्राउंड पर लगाया गया। टी ग्राउंड वो ग्राउंड है जो MQM के हवाले से तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। फेडरल बीरिया ब्लॉक 15 में वाकई ये ग्राउंड 14 एकड़ के वसी अरीज रकबे पर मुश्तमिल है। ये वही तारीख साज ग्राउंड है जहां 15 जुलाई 1988 को दुनिया की तारीख में ख्वातीन का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। आज इसी ग्राउंड में दुनिया की तारीख का यह अनोखा बाजार मुनक्किद किया जा रहा है। मुफ्त बाजार के इंतजाम के लिए तकरीबन 7,000 कारकुनान, जिनमें ख्वातीन भी शामिल थीं, 4 दिन तक दिन रात इसी ग्राउंड में मसरूफ रहे। मुफ्त बाजार के तमाम तर इंतजाम संभालने के लिए एक 20 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और 250 रुकनी इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई थी। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट कमेटी, कंप्यूटर कमेटी, निगरान कमेटी, मोबाइल कमेटी, स्टॉल कमेटी, गेट कमेटी, इस्तकबालिया कमेटी, पानी पिलाने वाली कमेटी, कारकुनान को खाना खिलाने वाली कमेटी और दीगर कमेटियां शामिल थीं। मुफ्त बाजार के लिए वसी और स्टी ग्राउंड में 250 शामियानों पर मुश्तमल एक बहुत बड़ा पिंडाल बनाया गया था जिसमें 80 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए थे। एक स्टॉल 54 फुट लंबा और 36 फुट चौड़ा था। इन स्टॉलों में ख़वातीन, बच्चों और मर्दों के सिले हुए बगैर सिले हुए कपड़ों, खुश्क अजनास और दीगर अशिया के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जबकि एक स्टॉल दुल्हन पैलेस के नाम से था जिसमें जहेज के कपड़े रखे गए थे। हर स्टॉल को संभालने के लिए कारकुनों की अलहदा अलहदा टीमें थीं। मुफ्त बाजार के दो हिस्से थे, एक में ख्वातीन के स्टॉल्स थे जहां तमाम तर इंतजाम ख्वातीन ने संभाल रखे थे, जबकि दूसरा हिस्सा मर्दों का था। मुफ्त बाजार में मेडिकल एज कमेटी के तहत तिब्बी कैंप भी लगाया गया था जहाँ MQM के 150 रजाकार डॉक्टर्स की टीम दवाओं और एम्बुलेंस के साथ मौजूद थी। एक कंप्यूटर कैंप भी लगाया गया था।